आम आदमी पार्टी ने गुरुवार की स्कीम नंबर 140 स्थित वाणिज्य कर विभाग द्वारा किए गए नियम के विरुद्ध अतिक्रमण का विरोध किया। आप कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय पहुंचे और विभाग द्वारा आनाकानी करने पर धरने पर बैठ गए। जिला सचिव मनोज यादव और विधानसभा 5 प्रभारी अमन नरेश ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग ने बिल्डिंग के गलियारे में आम रास्ते को बंद कर एक दीवार बना ली है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। विभाग ने मनमाना और अड़ियल रवैया इस दीवार को लेकर अपना रखा है। ऐसा आरोप लगाते हुए आपके लोगों ने कहा कि पूर्व में भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर दीवार हटाने का निवेदन किया था। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी इंदौर द्वारा यहाँ पे जो हम लोग आए हैं, यह वाणिज्यिक कर विभाग का, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। और काफ़ी समय से हम लोगों ने कोर्ट में भी अपील करी, जिस जो यहाँ की दुकानें हैं कोर्ट में भी उन लोगों ने अपील करी, दुकान मालिकों ने, पर वाणिज्यिक कर विभाग यहाँ पे दादागिरी से ये कब्जा कर रखा है। इसके पीछे भी आप देखेंगे तो पासपोर्ट ऑफिस ने तो अपना शटर लगा के कब्जा कर रखा है, जबकि ये कॉमन पैसेज है। इस कॉमन पैसेज पे सभी का जो यहाँ के मालिकाना हक रखते हैं इस बिल्डिंग में, जिनके फ्लैट हैं और दुकानें हैं, उनका अधिकार है, ना कि ये वाणिज्यिक कर विभाग का। हमने कई बार कोशिश करी वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से बात करने की, पर उन्होंने इस पे कोई रिस्पांस नहीं देते। उनका कहना है कि हमारा कब्जा है ही नहीं। जब आपका कब्जा नहीं है तो वाणिज्यिक कर विभाग का वहाँ पे लोगों कैसे लगा हुआ है। इसी पे आज आम आदमी पार्टी यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने हमको कहा है कि कई बार जैसे बुजुर्ग होते हैं, यहाँ पीछे लिफ्ट है तो उनको अपनी शॉप्स में आना है या इधर का पैसेज को यूज़ करना है तो उनको नीचे जाना पड़ता है, वहाँ से फिर घूम के वेस्ट साइड से सीढ़ियाँ यूज़ करके फिर उनकी दुकानों में उनको आना पड़ता है। जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं उनका ये कहना है कि हमने ये दुकानें ली थी, कितने साल हो गए उस दुकान को लिए हुए, अब जब हमको उस दुकान में आना हो तो हम ये पैसे यूज़ ही नहीं कर सकते, हमको फिर घूम के आना पड़ता है। और जब वाणिज्यिक कर विभाग से बात करी गई, पासपोर्ट ऑफिस वालों से बात करी गई, तो उनका ये कहना है कि हम तो ये चाहते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस वाले जो भी यहाँ अप्लाई करने आते हैं लोग, वो इस तरफ ना आए, तो हमने दीवार खड़ी कर दी। तो ये किस प्रकार की बात हुई कि दीवार, आप मतलब आपके इधर लोग नहीं आए तो आप दीवार खड़ी कर दो। आप जैसे कि यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं वाणिज्यिक कर विभाग की ये पूरी दुकानें ली हुई है, तो उनका ये मानना है कि ये जो पूरा पैसेज है ये हमारा अधिकार हो गया, क्योंकि इसके सामने हमारी दुकान है। तो आज क्या आप यहाँ पे ज्ञापन देंगे, क्या करेंगे, मतलब किस लिए? देखिए, ज्ञापन तो हम पहले भी दे चुके हैं इनको, हमारी तरफ से इनको एप्लीकेशन दी जा चुकी है, पर इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस पर हमने इनको समय सीमा भी दी थी कि इतनी समय सीमा में आप ये अपना जो अवैध कब्जा है ये हटा लीजिए, पर इन्होंने नहीं हटाया। उसी के लिए आज फिर हम आंदोलन पे उतरना पड़ा। पहली बार कर रहा था, जब भी नहीं हटाया, दूसरी बार आप फिर आए, अभी तक कब्जा नहीं हटा, तब आगे क्या करते थे? आगे नहीं हटा तो धरने पे बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे हम लोग धरने पे जब तक ये कब्जा नहीं हटता। आप जैसे कि देख सकते हैं पुलिस वाले भी यहीं पे, इनको पूरी जानकारी है इस मुद्दे की, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोर्ट में भी ये मुद्दा है, कोर्ट में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब कब तक परिवार सहेगे? कब तक आपको लगता है कि आम आदमी या दुकान खरीदी है? कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं है, IDA में यहाँ पे बहुत महंगी महंगी दुकान है, वो खरीदने के बाद अपनी जमा पूंजी लगाने के बाद भी आदमी को यहाँ से कॉमन पैसेज का यूज़ नहीं मिले, तो इससे ज़्यादा क्या बेकार बात होगी? और उस पर भी सरकार का कब्जा है। तो आज से धरने पे बैठ रहे हैं आप, क्या किस जी? बिल्कुल, हम लोग जब तक ये कब्जा नहीं हटता धरने पे बैठेंगे। आपका नाम बता दें? अमन बिवलकर, विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।